to this YouTube channel that is CB Forensics. So friends, आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने आई हूँ, क्योंकि आप लोगों के जैसे कि आप सभी को पता चल चुका होगा कि आपके नेट के एग्जाम की डेट्स आ चुकी हैं, तो अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है अकॉर्डिंग टू एग्जाम डेट्स. जितना भी आपके पास टाइम है आप अपनी नेट के प्रिपरेशन को और ज्यादा इन्हांस कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे कि आपके जो एग्जाम की डेट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. जो आपकी एग्जाम की डेट्स आई हुई हैं, वो आपकी 16 टू 18 सितंबर एंड 21 टू 25 सितंबर तक की हैं. ठीक है, सो ये आपकी डेट्स आई हुई हैं, इसी डेट में आपके एग्जाम्स होंगे. जो आपका एडमिट कार्ड्स हैं और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज हैं, वो सारा का सारा आपका जो एग्जाम डेट है उससे 15 डेज बिफोर आपका एडमिट कार्ड आपको वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा. वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, सो कैसा क्या एग्जाम होने वाला है, क्या सेंटर होंगे, क्या वहां पे कोविड से रिलेटेड आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, वो सारा का सारा उसमें डिटेल में सब कुछ लिखा होगा. ठीक है, इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट जो बात पर ध्यान देने वाला है इस टाइम पे, वो ये है कि ये आपके पास टाइम है टू बूस्ट योर प्रिपरेशन. सो बेसिकली आपके पास टाइम मिला है कि आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा इनहांस कर सके और ज्यादा बूस्ट कर सके. तो ये जो आपके पास टाइम है, अगर अभी तक भी किसी ने भी अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा अच्छे से ना कर पाया हो, तो अभी भी उसके पास टाइम है, वो अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप बेसिकली 3E रूल को फॉलो कर सकते हैं. अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा 3E रूल ये क्या होता है. ठीक है, तो अभी इसके बारे में हम बात कर लेते हैं. जो 3E रूल होता है वो क्या होता है एंड किस तरह से ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है. सो अगर 3P रूल में फर्स्ट पी की बात करें, तो फर्स्ट पी इंडिकेट करता है प्रैक्टिस को. जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी अच्छी तरह से एक बिल्कुल सही वे में आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप अपनी सक्सेस की तरफ इंक्रीज अपना एक स्टेप बाय स्टेप अपने आप को बढ़ाते जाएंगे. ठीक है, प्रैक्टिस करने का क्या तरीका होना चाहिए, प्रैक्टिस करने का बेसिकली आपके पास ये तरीका होना चाहिए कि जितने भी आपने अभी तक प्रैक्टिस करी हुई है वो सारे के सारे को एक साइड में रख दीजिए. बाकी आपके पास जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो सारे के सारे अभी तक ऑलरेडी आपने पढ़ रखे होंगे, आपने को सॉल्व कर रखा होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी ने अभी तक नहीं किया है, अभी से स्टार्ट कर दीजिए. 2019 से स्टार्ट करिए, 2018, 2017, 16, 15, 14, इस तरह से पूरा आप सारे के सारे पेपर्स को अच्छी तरह से सॉल्व करिए. किस तरह से करना है ये मैं ऑलरेडी आपको बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ. जो आपका वीडियो आया था, मैंने अपलोड किया हुआ था इसी यूट्यूब चैनल पे, स्ट्रैटेजी टू क्रैक एनटीए नेट एग्जाम, वहां मैंने डिस्कस किया हुआ था. तो अगर आप लोगों ने वाला वीडियो नहीं देखा है उसको जरूर से जाकर देख लीजिएगा, वहां से आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रैक्टिस का पूरा ओवरऑल, कि आपको बेसिकली जो इस समय प्रैक्टिस करनी है वो प्रीवियस ईयर पेपर से करनी है. प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कैसे करना है उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. ठीक है, अभी हम बात करते हैं अपनी सेकेंड पी की. सेकेंड पी क्या कहता है, सेकेंड पी कहता है परसिवरेंस. परसिवरेंस का क्या मतलब होता है, परसिवरेंस का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप एक कंटिन्यूएंसी में पूरा एक सीक्वेंशियल वे में विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी डिले, आपका पूरा एक डेली रूटीन होना चाहिए, एक पूरा प्रॉपर वे में आपको काम करने की पूरा सीक्वेंस होना चाहिए कि आपको इस टाइम पर यही करना है, और विदाउट एनी गैप पूरा कंटिन्यू मतलब पूरा कंटिन्यूअस वे में आपको सारा का सारा पूरा काम करना है, रेगुलर वे में आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है, पूरा का पूरा रिवीजन करना है. जो भी आपने अभी तक शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे वो सारा का सारा बहुत ही अच्छी तरह से रिवीजन करना है. ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड पी. अभी हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पी की, जो कि इसका लास्ट पी है, 3P रूल का लास्ट पी. ये क्या कहता है, ये कहता है आपका प्लानिंग. प्लानिंग अगर आपकी बहुत सॉलिड है, प्लानिंग आपकी बिल्कुल सही तरह से है, तो कोई नहीं रोक सकता आपको आपकी सक्सेस तक पहुंचने में. अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करी, परसिवरेंस के साथ में आपने करी एंड प्लानिंग आपकी बहुत सॉलिड थी, तो डेफिनेटली आपका नेट का एग्जाम इस बार बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, ना कि सिर्फ आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बट ऑल्सो फॉर जेआरएफ. ओके, तो जितनी अच्छी आपकी प्लानिंग रहेगी, जितनी आप परसिवरेंस के साथ काम करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आप एक एक स्टेप अपने सक्सेस की तरफ बढ़ाते जाएंगे. एंड आज से अगर आप ये काम करना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज से ये सारा काम करना, आज से अगर आप 3P रूल को फॉलो करते हैं बहुत ही अच्छी तरह से, तो आप डेफिनेटली अपने सक्सेस तक पहुंच जाएंगे. एग्जाम की डेट तक आपका बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी. ठीक है, सो इस रूल को एक बार फॉलो करके देखिएगा जरूर, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी आपकी नेट की एग्जाम में. ठीक है, ऐसा नहीं है कि
एग्जाम के लिए ही है। अगर आप मास्टर्स या बैचलर्स के भी स्टूडेंट हैं तो आप उसमें भी आप अपना ये रूल फॉलो कर सकते हैं। ये आपका जनरल रूल है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, प्लानिंग करते हैं एंड परसिवरेंस के साथ में सारा का सारा काम करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपके जो खुद का आपका जो भी गोल है वहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक है, तो इस रूल को अपनी लाइफ में एक बार इसको फॉलो करके देखिएगा जरूर से। ठीक है, आई होप आपको ये डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3P रूल। यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है एंड कट ऑफ की बात, जैसे कि आप सभी के माइंड में कट ऑफ का क्वेश्चन आता है कि कट ऑफ क्या रहेगा, लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, तो आप उससे एक प्रेडिक्शन लगा लेते हैं, एक आइडिया लगा लेते हैं कि इस ईयर भी इतना कट ऑफ रहेगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है, कट ऑफ बिल्कुल भी मत देखिएगा। कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, कट ऑफ जनरली आपका जो जेआरएफ की बात करते हैं तो जेआरएफ में जनरली आपका 65-68 अप्रॉक्सीमेटली इतना रहता है, मतलब 65 से नीचे तो जनरली नहीं जाता है। अगर पेपर आपका टफ है तो उस केस में आपका कट ऑफ कम भी हो सकता है, लेकिन जनरली आपका 60s में ही आपका लैंड करता है जेआरएफ के लिए आपका जो कट ऑफ रहता है। ठीक है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको यही सजेस्ट करूंगी कि कट ऑफ बिल्कुल भी मत देखिएगा। अगर आप कट ऑफ देख के सिर्फ उतनी ही अगर देख लेंगे तो आपके माइंड में रहेगा कि सिर्फ मैं इतना प्रिपेयर कर लूँ, सिर्फ इतनी ही प्रैक्टिस कर लूँ तो मेरा नेट क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे आपका सिर्फ नेट क्लियर होगा। नेट क्लियर होगा का क्या मतलब है, सिर्फ आपका असिस्टेंट या प्रोफेसर वाला एग्जाम क्लियर होगा, ना कि जेआरएफ। इसलिए कट ऑफ पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। जितना आप कट ऑफ पर नोटिस करेंगे, उसको देखेंगे, उतना आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, और उससे अच्छा है कि उतना टाइम आप अपनी प्रैक्टिस के लिए दे दें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी प्रिपरेशन जो रहेगी वो और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मैं इस चैनल पे आपको बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलते रहते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स मैं ऑलरेडी आपको कवर करवा चुकी हूँ एंड वो सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके नेट के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो सारे के सारे वीडियोस आई होप आप लोगों ने देख रखे होंगे, लेकिन फिर भी कोई ऐसा टॉपिक जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके डाल रखा है या फिर जो नेट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उनको एक बार जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, इसकी इनकी सबकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां पर जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, सो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी ऐसे आप अगर करेंगे तो, एंड आप धीरे धीरे प्रैक्टिस पूरी सिक्वेंस में पूरी प्लानिंग करते हैं अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपका नेट का एग्जाम बहुत अच्छा होगा एंड डेफिनेटली आप नेट के एग्जाम को जेआरएफ के साथ क्लियर भी कर लेंगे। ठीक है, सो यहीं पे एंड करते हैं सेशन को। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए और थोड़ा बहुत उनको भी इस 3P फॉर्मूला के बारे में पता चल सके। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।